Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this Android app development course. And in this video, we are going to work on privacy of our application, which means मेरा ये project बनाने का simple reason ये था कि मैंने चाहता था कि कोई भी application मेरा data store करके रखे या जो searches में perform करता हूँ. So how we can achieve that? So now मैं चाहता हूँ ये जो हमारी browse fragment या ये जो हमारी application है, let's browse, ये जब भी close हो at that time इसका सारा डेटा जो है वो क्लियर होना चाहिए रिगार्डिंग सर्चेस या और एनी अदर थिंग, कुकीज एंड एक्सेट्रा काइंड ऑफ थिंग्स. सो हाउ वी कैन अचीव दैट वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें उस डेटा को कब क्लियर करना है, एंड वी हैव मल्टीपल चॉइसेस फॉर इट. हम चाहे तो वो डेटा ऑन डिस्ट्रॉय के अंदर क्लियर कर सकते हैं, सो सिंपली ऑन डिस्ट्रॉय. सो ये मेथड तब कॉल होता है जब ब्राउज फ्रेगमेंट डिस्ट्रॉय होता है, विच मीन्स हम लोग बैक प्रेस करके ब्राउज फ्रेगमेंट को एकदम क्लियर कर देते हैं. बट आई डोंट थिंक ये 100% सिक्योर वे है एप्लीकेशन के अंदर से डेटा क्लियर करने का, बिकॉज लेट से यूजर एप्लीकेशन चला रहा है एंड आफ्टर दैट वो स्वाइप अप करके एप्लीकेशन क्लोज कर देता है, एट दैट टाइम ऑन डिस्ट्रॉय कॉल नहीं होता. एंड अगर यूजर ने ऐसे ही एप्लीकेशन बंद कर दी तो ऑन डिस्ट्रॉय कॉल नहीं होगा, एंड आफ्टर दैट जो डेटा है वो फिर भी रह जाएगा थोड़ा बहुत सा. सो फॉर दैट केस मैं ये वर्क ऑन पॉज के अंदर करने वाला हूँ, क्योंकि ऑन पॉज गारंटीड एवरी टाइम कॉल होगा जब यूजर एप्लीकेशन को इवन बैकग्राउंड में भी डालेगा तो. सो सिंपली ऑन पॉज के अंदर मुझे डेटा क्लियरिंग के कोड लिखने हैं. सो सिंपली फॉर क्लियरिंग ऑल वेब व्यू डेटा, एंड हाउ वी कैन अचीव दैट. सो उसके लिए हम लोग वेब किट का यूज करने वाले हैं और वो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल भी हमारे लिए, सो वी कैन यूज दैट. सो सबसे पहले हम कुछ कॉमन फंक्शंस को कॉल करेंगे वेब व्यू को, जो हमारे लिए काफ़ी डेटा क्लियर कर देगा, एंड रिमेनिंग जो रहेगा वो हमारे लिए वेब किट क्लियर कर देगा. सो हाउ वी कैन डू दैट. सो सबसे पहले मुझे बाइंडिंग डॉट वेब व्यू का यूज़ करना पड़ेगा. डॉट यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फंक्शंस है, सो उनमें से एक है क्लियर कैश. सो हमें नियरली सारे कॉल करने, क्लियर कैश, क्लियर फॉर्म डेटा एज इट नेम सजेस्ट. अगर आपने कुछ फॉर्म सबमिट किए होंगे तो उसका डेटा भी क्लियर हो जाएगा. क्लियर हिस्ट्री, क्लियर मैचेस. नाउ दिस मैचेस कम्स इन द केस ऑफ यूट्यूब. अगर आप यूट्यूब में कुछ सर्च करते हो, इन दैट केस वहाँ पे आपके सजेशंस रह जाते हैं. सो अगर आप क्लियर मैचेस करोगे तो वो सजेशंस रिमूव हो जाते हैं. क्लियर SSL प्रिफ्रेंसेस. सो ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वी आर गोइंग टू कॉल इट. सो नाउ सिंस वी नीड टू कॉल ऑल दिस मेथड्स, मैं बार बार बाइंडिंग डॉट वेब व्यू डॉट इन्हें क्लियर नहीं करने वाला. मैं यहाँ पे एक अप्लाई ब्लॉक का यूज करने वाला हूँ, बिकॉज इट्स अ स्पेशल कॉटलिन सिंटैक्स एंड वी कैन कॉल दोज मेथड्स हियर. सो सिंपली हियर क्लियर मैचेस, क्लियर हिस्ट्री एंड क्लियर फॉर्म डेटा, एंड आफ्टर दैट क्लियर SSL प्रिफरेंसेस, एंड फाइनली क्लियर कैश. एंड यहाँ पे हमें ट्रू पास करना पड़ेगा, विच मीन्स अगर इंटरनल स्टोरेज में इसने कुछ डेटा या डिस्क फाइल स्टोर किए उसे भी रिमूव कर दो. एंड आफ्टर दैट मैं कुछ वेब व्यू किट के मेथड्स का भी यूज़ करने वाला हूँ. सो सिंपली कुछ कुकीज क्लियर करने के लिए, सो हियर कुकी मैनेजर, एंड यहाँ पे आपको वेब किट वाला एक ऑप्शन दिखेगा, सिंपली क्लिक ऑन इट. डॉट गेट इंस्टेंस डॉट क्लियर, या सिंपली रिमूव ऑल कुकीज. एंड यहाँ पे हमें कुछ पास करना पड़ता है, सो सिंपली मैं यहाँ पे नल पास करो, इट विल वर्क. एंड आफ्टर दैट सिम फाइनल वन वेब स्टोरेज डॉट गेट इंस्टेंस डॉट डिलीट ऑल डेटा, एंड दैट्स इट. इट विल रिमूव आर ऑल सर्च प्रिफरेंसेस. एंड नाउ इफ वी वांट वी कैन टेस्ट द एप्लीकेशन, और मैं अपना यूट्यूब ओपन करूँगा, क्योंकि वहाँ पे अगर मुझे पुराने सजेशंस के हिसाब से कुछ शो होता है, फॉर एग्जांपल दैट पुष्पा वाले अगर कुछ सजेशंस मुझे शो होते हैं या सदगुरु से रिलेटेड सजेशंस शो होते हैं, दैट सिंपली मींस मेरा डेटा क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि रिसेंट क्लिक्स की वजह से यूट्यूब ने ऐसा थिंक किया है कि शायद मैं ज़्यादा सर्च करता हूँ. एंड अगर कुछ रैंडम से सजेशन शो होते हैं, विच सिंपली मींस डेटा क्लियर हो चुका है. सो नाउ लेट्स रन द एप्लीकेशन एंड टेस्ट इट. सो फाइनली ग्रेडल इज बिल्ट एंड ऐप इज इंस्टॉल्ड. मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ youtube.com एंड लेट्स हिट एंटर. एंड इंटरनेट नॉट कनेक्टेड, सो आई फॉरगॉट टू टर्न ऑन माई इंटरनेट. लेट्स टर्न इट ऑन एंड नाउ हिट एंटर. एंड
यू विल सी मुझे अगेन सदगुरु एंड एट पुष्पा मूवी के सजेशंस दिखाई दे रहे हैं. नाउ व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज हमने अब तक ऑन पॉज को कॉल ही नहीं किया है, विच मीन्स ऑन पॉज एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं हुआ है. मैं लेट्स से एक बार सिर्फ बैक करूँ एंड आफ्टर दैट अगर मैं youtube.com पे आऊँगा ना, यू विल सी सारा डेटा क्लियर हो चुका है. ओके, वो ओल्ड डेटा हमें शो हो रहा था और ऑन पॉज कॉल ना होने की रीज़न की वजह से वो हो रहा था. नाउ यहाँ पे मैं कुछ और सर्च करके देखता हूँ. लेट्स से हर्ष राज पुरोहित. सो मैं अपने ही चैनल को सर्च कर रहा हूँ, नथिंग ग्रेट. सो सिंपली क्लिक ऑन इट एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मेरा चैनल दिखाई दे रहा है अबव एंड मैं मूव बैक करने वाला हूँ एंड मैं सर्च पे क्लिक करूँगा. आप देखोगे यहाँ पे मुझे एक सजेशन दिख रहा है, बट अगर मैं यहाँ से एक बार बैक पे क्लिक करता हूँ एंड आफ्टर दैट अगेन youtube.com सर्च करता हूँ एंड हिट एंटर एंड दिस टाइम यू विल सी वो सर्च प्रिफ्रेंसेज भी रिमूव हो चुकी है, विच सिंपली मीन्स हमारा वेब व्यू परफेक्ट डेटा क्लियर कर रहा है जब वो बैक या कुछ होता है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.